आप सभी ने ये सुना कि जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए और धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। इसलिए हम सब ईश्वरीय ज्ञान से ईश्वरीय शक्तियों से यहाँ माला माल होने के लिए बैठे हैं और इसलिए हम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि हम सब के ऊपर प्रभु की कृपा हुई है। कहते हैं एक बार नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विद्यमान थे और वहां सूत जी का प्राकट्य हुआ और उन ऋषियों ने, शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से ये प्रार्थना की कि आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार है वो मिट सके। और ये नहीं कहा पूरी कथा सुनाइए, कहा कथा का सार सुनाइए। कथा सारम मम कर्ण रसाय, ऐसी कथा सुनाइए जिसको सुनकर आत्मा को शांति भी मिले और मन को रसना भी प्राप्त हो। यहां एक बहुत सुंदर मैसेज कथा के माध्यम से दिया गया कि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि आने वाला जो समय है कलयुग का, मानव अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई से सुनने का, शास्त्रों की बातों को गहराई से समझने का टाइम ही नहीं होगा। और आप सभी हमसे ज्यादा इस बात के अनुभवी हैं कि जब भी हमें भी अवसर मिलता है कि हम सत्संग में पहुंचे तो व्यस्तता के कारण कई बार आप नहीं पहुंच पाते हैं, कई लोगों के पास पहुंचने के लिए टाइम भी होता है लेकिन उनका एक पेटेंट वर्ड बन गया है कि हमारे पास टाइम नहीं। परंतु जब आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे कि जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, ऐसे अंतर आत्मा के लिए भी सत्संग जरूरी है, ज्ञान जरूरी है। जब तक आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपकी अंतर आत्मा सशक्त नहीं हो सकती है। जैसे भोजन करना जरूरी है ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण करना, ज्ञान का मनन करना, चिंतन करना उतना ही अनिवार्य है। हम सभी को बताते हैं 24 घंटे में से एक घंटा हम स्वयं के लिए निकालें। जिस समय हम सारी बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर अपने आप से बातें करें, भगवान से बातें करें, ज्ञान की बातें सुने और अपनी बैटरी को क्या करें, चार्ज करें। और अगर आपको इसका महत्व समझ में आ जाएगा तो आप ये एक्सक्यूज देना छोड़ देंगे कि हमारे पास टाइम नहीं। आप देखिए हर एक के पास यही 24 घंटे हैं लेकिन आप अपने समय को किस तरीके से मैनेज करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
प्रधानमंत्री के पास भी 24 ही घंटा है और हमारे पास भी काम करने के लिए यही 24 घंटा है। लेकिन आप जिस चीज को महत्व देंगे उसके लिए आप समय अवश्य निकालते हैं और आगे भी निकालेंगे अगर आपको उस चीज का महत्व समझ में आ गया तो। और याद रखिए, अगर आज आपके पास ज्ञान सुनने के लिए टाइम नहीं है, आज आपके पास अपने आप को सशक्त करने के लिए टाइम नहीं है, तो समय ऐसा आने वाला है जब आपको इस ज्ञान की जरूरत होगी। समय ऐसा आने वाला है जब आपको आंतरिक शक्तियों की जरूरत होगी और आप चाहेंगे कि कहीं से आपको ज्ञान सुनने का अवसर मिले, आप चाहेंगे कोई आपके मन को शांत कर दे, आप चाहेंगे कोई आपको शक्ति प्रदान कर दे, लेकिन जब समय बीत जाएगा तो आप चाह के भी इन चीजों को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आज आपने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो कल टाइम भी आपको कहेगा कि मेरे पास भी अब तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। ओवर। तो आप क्या चाहते हैं? समय आपको ये अलार्म दे ऐसा आप चाहते नहीं। समय से पहले अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। उस युवती ने आवाज लगाई और कहा, नारद जी जरा ठहरिए, आप बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए। नारद जी ने उस युवती से परिचय पूछा कि आप कौन हैं और आपके ये दो बालक कौन हैं। तो वो युवती अपना परिचय देती है कि मैं भक्ति हूँ और मेरे ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी अपना परिचय दे रही है कि मैं वृंदावन की धरनी पर आकर जवान हो गई हूँ और मेरे जो दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, आज इनको पूछने वाला कोई नहीं। और एक माँ की ये सबसे बड़ी व्यथा होती है कि वो कैसे अपने सामने अपने पुत्रों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में देख सके। इसलिए नारद जी, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे इनकी फिर से जागृत अवस्था लौट कर आए, इनकी वृद्धा अवस्था समाप्त हो जाए, आप इसके लिए हमें कोई उपाय बताइए। इस दृष्टांत के माध्यम से हमें ये बताया गया कि वर्तमान समय मनुष्य आत्माएं भक्ति के विभिन्न कर्म कांडों को कर रही है, लेकिन एक मिनट के लिए विचार कीजिए, मीराबाई ने भी भक्ति की और आज का मनुष्य भी भक्ति कर रहा है, दोनों की भक्ति में कोई डिफरेंस है या नहीं? आज जिस प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं छिपी हुई हैं। जब भी वो भगवान की शरण में जाता है तो किसी न किसी कामना को लेकर जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है
हर प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। एक है जो मनोकामना पूर्ति के लिए मेरी शरण में आते हैं, एक श्रेणी है जो अर्थ आर्थी है अर्थात धन प्राप्ति के लिए मेरी शरण में आते हैं, और कोई विधि विधान करें या ना करें लेकिन लक्ष्मी पूजा जरूर करेंगे, क्योंकि उनका पूरा फोकस कहाँ है, धन के ऊपर। कुछ लोग हैं जो जिज्ञासु हैं, कुछ जानने की चेष्टा से भगवान की शरण में आते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो भगवान को जानते हैं, पहचानते हैं, भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं और निस्वार्थ भाव से भगवान को याद करते हैं। और भगवान को कौन पसंद है, कौन पसंद है? भगवान को वो आत्माएं पसंद हैं जो निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करती हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि जो मुझसे धन मांगता है मैं उसको धन दे देता हूं, जो मुझसे पुत्र मांगता है मैं उसको पुत्र दे देता हूं, जो मुझसे मकान मांगता है मैं उसको मकान दे देता हूं, और जो मुझसे कुछ नहीं मांगता है मैं खुद ही उसका हो जाता हूं। ये भगवान का वायदा है।